डियर मेंबर्स, टुडे वी डिस्कस एंटम क्रूड। वी हैव गॉट सो गुड रिजल्ट्स इन सम केसेस विद एंटम क्रूड, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। जो इस दवा के तीन निम्नलिखित रूब्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंगर टचड वैन, बीपिंग टचड वैन एंड लव सिक। ये तीन रूब्रिक पे मैंने कितने ही केस ठीक किए हैं, जो डॉक्टर एमएल सहगल सर ने एक्सप्लेन किया कि टच का क्या मतलब है। जब कोई बात हृदय को प्रभावित कर दे, फिजिकल टच नहीं, माइंड को टच कर दे, अंदर तक छू जाए, तो भले मनुष्य को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, जो बहुत नाइस पर्सन है, बहुत रोना, कल्ला गुस्सा ही नहीं, एंकर टच ही नहीं, बीपिंग टच डिवेल। उसने ये बात मेरे क्यों क्यों कही, उससे तो जय उम्मीद नहीं थी, बहुत प्यार करता था मैं उसको, बहुत प्यार था उनके साथ, जिनके साथ बहुत प्यार, लव सिक, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जो उसको छू गई, टच कर गई। और बहुत सीनियर पर्सन जाए मेरे पास, जो बहुत मेरे पास आकर रोए भी, गुस्सा भी था। मैं वो केस बताता हूँ आपको। पहला जो केस था, एक एडवोकेट थे, 50 साल उसकी आयु थी, अपने छोटे भाई के साथ बहुत प्यार था, वो अपने छोटे भाई को कम कीमत पर गांव वाली ज़मीन ठेके पर देते थे। इस बार वो गांव गए तो उसके छोटे भाई ने उनकी ज़मीन ठेके पर लेने से इनकार कर दिया और उसे कह दिया कि मैं अपनी ज़मीन गांव में किसी और को ठेके पर दे जाए। वो तो किसी और की ज़मीन गांव में ठेके पे ले चुका है। जय सुनकर उस वकील का मन गुस्से से भर उठा और 50 साल की आयु होने के बावजूद भी वो रोने लग पड़ा। जय सोचकर कि उसके छोटे भाई ने ऐसे क्यों किया, उससे तो जय उम्मीद नहीं थी, पूरा यकीन था, मैं उसको बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार था उनके साथ मेरा। तो एंटम क्रूड दवाई केवल एक डोज 30 प्रेगनेंसी में उसको दी और वो ठीक हो गया। इतने सीनियर पर्सन को, एडवोकेट को, गुस्सा, रोना, वो बात टच कर गई कि उसे तो, वो तो बहुत छोटे भाई को प्यार करते थे। ऐसी एक प्रोफेसर मैडम का केस, जो बहुत ही मिलनसार, पक्के इरादे वाले, कभी हौसला ना हारने वाले थे, हमारे फैमिली रिलेशन में थे, दृढ़ और बड़े सुलझे हुए विचारों वाले, रोना कभी नज़दीक भी ना था, कामरेड थे। उसे अपने भाई से, भाभी से, उसके बच्चों से बहुत ही प्यार था। एक दिन उसके भाई की मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु के पश्चात जब उसे पता चला कि भाई के ससुराल वालों ने भाई के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, उसका मन बहुत ही गुस्से से भर उठा, बहुत रोना आया उसे। यह बात उसके हृदय को प्रभावित कर गई, अंदर तक छू गई। अब उसने अपनी भाभी और बच्चों पर भी प्यार उसको अपनी भाभी और बच्चों पर भी प्यार नहीं आता था, बोलना ही छोड़ दिया था। उसको एंटम क्रूड 30 की एक डोज दी, एक पुड़ी ने ही उसे ठीक कर दिया। अगले दिन सुबह ही उसने अपनी भाभी और उसके बच्चे को फोन कर बातचीत की, मतलब इतना उसको छू गई, टच कर गई कि ब्रदर के जो इनलाज थे, उन्होंने मेरे ब्रदर के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, मैं मृत्यु के पहले जब वो अपने इलाज में गया था, तो
इतना रोए मेरे पास, इतना गुस्से में बोले वो, और बिल्कुल ही छोड़ दिया था बुलाना अपने भाभी जी को और उनके बच्चों को। और नेक्स्ट डे उन्होंने उनको दोबारा फ़ोन किया, उनसे बात की, इतना इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं एंटक ग्रूड से। ऐसी और एक मुख्य अध्यापका का केस, जो बहुत ही समझदार, मिलनसार, सुलझे हुए विचारों वाले थे, एक दिन वो आए बहुत ही गुस्से में और लगातार बोलते रहे जैसे परिवार रिश्तों की तरफ से बहुत दुखी किए गए हों। इतनी आयु होने के बाद भी काफ़ी समय रोते रहे, प्यार के बहुत भूखे। उन्होंने भी ऐसी बताया कि मेरे बेटे ने, मेरी डॉक्टर ला ने मेरे साथ डॉक्टर मान ऐसा व्यवहार किया, मैं उनसे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती हूँ, मेरे मन को इतना छू गई वो बात। तो उनके भी एंटम क्रूड 30 पोटेंसी की एक डोज दी और वो ठीक हो गए। जो जो डॉक्टर एमएल सैगल सर ने एक्सप्लेनेशन दी है, मीनिंग दिए हैं इसके, एक्सप्लेनेशन टच के, एक्सप्लेनेशन ऑफ टच बाय डॉक्टर एमएल सैगल, मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट इज वेयर फीलिंग्स और सेंसिटिविटीज आर अफेक्टेड, वेयर वर्ड्स थॉट्स टच द माइंड एंड प्रोवोक स्ट्रॉन्ग डिसप्लेजर एंड डिजायर फॉर रिटेलिएशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ लव सिक बाई डॉक्टर एम एल सैगल, फीलिंग ऑफ ए वार्म पर्सनल अटैचमेंट बाई सामबन विच हैज टेकन ओवर द माइंड सो डीपली दैट इट हैज स्टार्टड अफेक्टिंग हिम लाइक ए डिजीज एंड इज नॉट फ्री फ्रॉम इट एट एनी टाइम ऑफ डे। सो जो बात दिल में छू गई, टच कर गई, उसकी फीलिंग को इतना अफेक्ट कर गई, वो शब्द, वो वर्ड, वो थॉट्स, वो माइंड को, ना कि फिजिकली, ऐसी जिसके पास साथ इतना प्यार कि बहुत ज़्यादा लाइक ए डिजीज अफेक्टिंग हिम, तो उसने भी ऐसी कुछ कर दिया, बोल दिया, तो वो के सेंटम क्रोड में चले जाते हैं। लाभ जो यंग एज में होता है उसमें हम इग्नेशिया देते हैं, इग्नेशिया काम करती है, उनके उन केसों में मैंने देखा कि एंटम क्रूड नहीं काम करती। एंटम क्रूड ऐसे केसों में जैसे कोई फीलिंग्स को टच कर गई, जो किसी ने बहुत जिससे साथ प्यार था उसने ऐसा बोल दिया, ना कि यो यंग एज में लव डिसअपॉइंटमेंट होता है वो। थैंक यू।